नमस्ते, मेरा नाम उज्जवल है। आप देख रहे हैं गार्डेनर दोस्त। आज आपको बताएंगे रेनन कुलस का लगाने का विधि। रेनन कुलस एक आपको ये गुलाब की तरह फ्लावर लगेगा, एक तरह से समझिए गुलाब ही है, लेकिन इसमें तो कांटे नहीं होते हैं। इसका मेरे पास दो कलर है, एक येल्लो वाला एक रेड वाला। ये इसमें बहुत सा मल्टीपल कलर में आता है, ये म्यूटेशन बराबर करते रहता है, हर एक साल नया कलर इसका 10-12 बनते रहता है। इसमें एक प्लांट से आप कितना भी कलर इसका सीड अगले साल निकालिएगा तो दूसरा कलर बन जाएगा। ऐसे ही करते बहुत सा कलर में ये आता है, आपके इधर जो भी मिले। ये आपको इसका सीड बल्ब होता है, बल्ब जो कि जड़ की तरह लगेगा, वो एक तरह से रूट ही होगा। उसमें 4-5 निकला रहेगा रूट के तरह, वही लगता है। वो आपको किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा, लेकिन अभी इस समय तो गर्मी है, अब तो ये रूट निकालने का समय आ गया है, निकाल के रखने का। अभी आप रेनन कुलस का रूट नहीं लगा सकते हैं, आप ऑनलाइन अक्टूबर या नवंबर में लगाएं, तभी ये चलेगा प्लांट। उसी समय ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ऐसे तो लगाने के लिए किसी भी मंथ लगा सकते हैं। इसका प्लांट आपको अगर किसी नर्सरी में 50-60 रुपए में मिल जाएगा, अगर प्लांट लेना चाहेंगे तो। अभी तो फ्लावर दिया हुआ मिल सकता है किसी किसी नर्सरी में, या ख़त्म हो गया होगा। आप ऐसा ही प्लांट लगाएं रेनन कुलस का अगले साल से, जो कि आपको गुलाब के तरह फूल इसका लगेगा। और इसमें ज़्यादा तो इजी टू केयर है, इसमें जितना मतलब फर्टिलाइजर अच्छा दीजिएगा उतना ही अच्छा ये प्लांट रहेगा। इसे 12 इंच वाले गमला में आप लगा सकते हैं, इसे ज़्यादा धूप की आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन 4-5 घंटे की धूप इसे बहुत अच्छा लगता है। आप 4-5 घंटे की धूप लगाइएगा तो ये प्लांट चलने लगेगा। अभी इसका प्लांट लगाने में आपको एक ही प्लांट या दो कलर का एक साल लगाइए, नहीं तो अगर रूट मिले तो 10-12 रूट लगा दीजिए। एक गमला में दो कलर एक ही कलर लगाइए, अक्टूबर में लगाइएगा तो वो नवंबर दिसंबर जनवरी में फ्लावर देने लगेगा 3 महीने बाद। और इसे जितना थोड़ा ज़्यादा धूप की आवश्यकता होती है, धूप जितना ज़्यादा लगेगा मतलब वो नवंबर दिसंबर में, उतना ही इसका प्लांट अच्छा खिलेगा, मतलब प्लांट फूसी बनेगा। इसका प्लांट आप लगाएं, इसे आप 15 दिन पे रिस सॉइल देते रहें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल चाहिए। आप 15 दिन पे लिक्विड फर्टिलाइजर मिला के, थोड़ा कम ही लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि ये प्लांट ग्रो करे, ज़्यादा यूरिया या डीएपी, यूरिया डीएपी का नहीं, इसमें जितना वर्मिंग कंपोस्ट हो वही प्रयोग करें। वर्मिंग कंपोस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने से इसका प्लांट और भी अच्छा से ग्रो होगा। ज़्यादा वर्मिंग कंपोस्ट दीजिएगा तो और अच्छा प्लांट बनेगा और पूसी बनेगा। आप इसका प्लांट ज़रूर लगाएं। ये प्लांट जितना लगाइएगा मतलब उतना ही अच्छा लगेगा आपका गार्डन। इसमें जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र दीजिएगा उतना ही अच्छा ही इसका प्लांट बनेगा। आप 15 दिन पे तो ज़रूर इसमें फर्टिलाइज़र डालें, और 15 दिन पे जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालिएगा उतना ही अच्छा फर्टिलाइज़र मतलब वर्मिंग कंपोस्ट ये सब डालिए। धन्यवाद।